जी पत्रकार जी, वास्तव में भारत की धरती पर जम्मू कश्मीर के बाद यदि हिंदुओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थान कहीं है तो इस समय बंगाल की धरती है। और हिंदू समाज यदि नहीं चेता इस बार तो जम्मू कश्मीर से जैसे हिंदुओं को पलायित होना पड़ा, ठीक वैसे ही बंगाल में ही आ जाएगी। और शीर्ष नेतृत्व से मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे राक्षसी स्वभाव के तारुका का रूप में मानता हूँ मैं तो कहता हूँ कि भारत में राजनैतिक क्षेत्र में एक तरह से बंगाल राजनीति का लंका हो गया है। तो उस लंका के क्षेत्र में लंकिनी का राज्य चल रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि भगवान ने बंगाल की धरती को भी आज़ाद करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए राम और लक्ष्मण के रूप में और हनुमान के रूप में मोदी और जोगी को भेज चुके हैं। और तारुका का वध होगा और राजनीतिक लंका जो पश्चिम बंगाल बना हुआ है तो राजनीतिक लंका का भी राज्याभिषेक किसी सज्जन और सदाचारी व्यक्ति के ललाट पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में इस लंकिनी का भी, राजनीतिक लंकिनी है ममता बनर्जी, मैं तो इसका नाम पहले भी कहा था आज भी मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक लंकिनी का भी वध होगा और वहाँ पर रामराज स्थापित होगा।